अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अनबॉक्स करेंगे इस बदनसीब हेडफोन को जिसे भी खरीदना ही नहीं चाहता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हसन अली और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं फैनटेक HG11 की। ये डब्बा इतना बड़ा है, मेरे मुंह और फ्रेम दोनों से बड़ा है, फ्रेम में ही नहीं आ रहा। फिर भी यार ये हेडफोन अच्छे हैं। जब भी मैं किसी को कहता हूँ ना यू वॉन्ट बाय दिस हेडफोन, वो कहता नो। इसकी तो मैंने कभी मशहूरी नहीं देखी, इसका तो कोई ऑनलाइन रिव्यू ही नहीं है। ये हेडफोन कैसे अच्छे हो सकते हैं? इससे अच्छे तो ब्लडी के G575 है, वो करना चलाओ तो कान चोन लग जाते हैं पसीने ना, वो अच्छे हैं। ये गंदे, ये भी अच्छे हैं। आई विल प्रूव टू यू, आज हमें प्रूव करांगा। तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स इतना खास इसके अंदर कंटेंट तो नहीं है। डब्बे के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ एक प्यारा सा हेडफोन और एक अदद कागज निकलता है। कागज में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हम कभी नहीं पढ़ते, और डब्बे के अंदर हेडफोन है जो अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, डब्बे से निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये इसके एयर कप्स में यहाँ पे 3D LED चलती है और ये पूरा इसका एयर कप एरिया है। अब अगर आप मेरे हाथ का साइज देखें तो ये इतना एयर कप है इसका, जो कि आपके कान को बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर लेता है। और माइक बिल्कुल आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आती है जी ये फुल ब्रेडेड केबल। यार इतनी मोटी केबल कसम ना, नेरे जो पिया हुए बंदा ना साफ किया। और इसके साथ आता है ये रिमोट कंट्रोल। ये HG11 और HG21 दे आर सिमिलर हेडफोन्स बट गुड इन क्वालिटी। और ये है इसके साथ USB जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है। अगर वॉइस क्वालिटी की बात करें तो ये 7.1 सराउंड साउंड के साथ आते हैं। मैं अभी आपको ऑन करके इसकी क्वालिटी सुना देता हूँ। तो ये है इसका ऑडियो एक्सपेरिमेंट। ये ऑडियो आप सोचें ये आवाज इसके बाहर आ रही है तो अंदर कितनी आवाज आ रही होगी। और ऑन होने के बाद ये LEDs कुछ ऐसे चलती हैं जो कि काफी प्यारी लगती हैं। अगर आप इसको कहीं पे रखे देखें तो बड़ा ही सेक्सी लगता है, माशाल्लाह मैं कहता हूँ। बाकी प्यारा लगता है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर लाइक ब्लडीज हेडफोन्स और दूसरे जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, आई सजेस्ट दीज कि उनसे बेहतर है। एयर का बहुत नरम है। ओह माय गॉड, दीज आर सो सॉफ्ट एंड माय गॉश, और ये हाँ काफ़ी अच्छे हैं। हाँ जी, और साथ में पूरा कंप्लीट फिट आता है। ये इसका सॉफ्ट रबड़ में ये जो बैंड बना है इसका, ये नहीं है कि वो जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी हेडफोन्स होते हैं उनके वो ख़राब होने लग जाती है, जिल्द जो होती है ना उखड़ने से लग जाते हैं। तो मैंने अभी तक इसमें वैसा कोई साइन नहीं देखा। बाकी आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बहुत से लोग डरते हैं फैनटेक को बाय नहीं करते। आई सजेस्ट यू कि यू मस्ट ट्राई दीज। अगर आपको नहीं पसंद आते तो ये हेडफोन आपको लॉस में नहीं जाएंगे, ये हेडफोन कभी लॉस में नहीं जाते। आई सोल्ड माई प्रीवियस वंस, और जो बंदा खरीदने आया था वो कह रहा था यार ये वाकई अच्छे हैं, मैंने उसको 4200 रुपये में दिए थे एंड ही वॉज लाइक मैन दीज आर सो नाइस, और ये वैसे कह रहा था मुझे। तो मैंने कहा यार शुक्रिया भाई, आपने इसको पसंद कर लिया है, अब इसके माइक टेस्ट करते हैं। माइक टेस्ट के लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली है इसके माइक से, तो वो अब वो प्ले होगी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो वे पोते, वे ओ हेलो बेटा, ओ गोली चली गोली चली गोली चली गोली चली, हाँ लग गया पता आवाज़ था। तो ये था बेसिक फैनटेक HG11 का रिव्यू। अब होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आई एम गेटिंग स्टार्टेड, तो सॉरी बॉडी गलतियाँ तो करूँगा ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं लगी तो भाई 5500 लाया ऐड होना, तो एक लाइक तेरा ही जाना है, उंगली मारनी मार दे। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो आएगी जी। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टेल यू, अगली वीडियो आ रही है Artist 3 की। यस दीज वन, दीज आर द बीस्ट्स, हाँ वही अरे इनकी वीडियो आ रही है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय। ये इसकी लाइटें ऑटोमेटिकली कलर बदलती रहती हैं, अभी 3-4 सेकंड हो गए कोई नहीं बदले, मुझे टेंशन। ओह बदल लेता, ओह ऐसे बदलती रहती हैं। अगर आप इधर साइड से देखें तो ये एयर कप का साइज आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है। आप कहते हैं जी वो नॉइस कैंसिलेशन नहीं हो, यार इतना बड़ा होने की मेरे मुंह तो रजाई ला देना हो की करण।